हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब, प्रेस करें बेल आइकन ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आपके पास। दागरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन दरभंगा, 50% तक कम मेकिंग चार्ज किसी भी दूसरे ब्रांड से। फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ योर चिल्ड्रन, दार्जिलिंग के शिक्षकों द्वारा संचालित दरभंगा का एकमात्र स्कूल दार्जिलिंग पब्लिक स्कूल कबीरचक दरभंगा, नर्सरी से 10वीं तक इंग्लिश मीडियम का उत्कृष्ट विद्यालय, एडमिशन ओपन। जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल दरभंगा, नर्सरी टू क्लास 9, दरभंगा समस्तीपुर रोड पोवरिया बिशनपुर दरभंगा, एडमिशन ओपन फॉर सेशन 2023-24, अ डे एंड रेसिडेंशियल स्कूल। इंटरनेशनल फैसिलिटीज विद इंटरनेशनल करिकुलम, फर्स्ट वर्ड प्ले स्कूल, अ यूनिट ऑफ FWPS प्राइवेट लिमिटेड, प्ले ग्रुप टू स्टैंडर्ड 2, नियर भंडार चौक कटहलवाड़ी एंड वासुदेवपुर दिल्ली मोड़ दरभंगा, एडमिशन ओपन। फ्री एडमिशन टिल 31st मार्च, जूनियर DPS मुफ्ती मोहल्ला नियर मिलान चौक दरभंगा, प्री नर्सरी टू ग्रेड 8 विद अ टीम ऑफ वेल एक्सपीरियंस्ड टीचर्स, फुल्ली AC क्लासरूम्स एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, हरी अप, एडमिशन ओपन। ऑल सब्जेक्ट्स अंडर वन रूफ अप टू क्लास 12, PKM इंस्टीट्यूट भगवान दास नियर JP चौक दरभंगा, केवल 3,600 रूपए में सभी विषयों की पढ़ाई पूरे साल भर अनुभवी शिक्षकों द्वारा। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल PKM इंस्टीट्यूट को। दरभंगा में स्वर्ण व्यवसायी को गोली मारकर जेवरात सहित बाइक लूटी, अस्पताल में व्यापारी को किया गया भर्ती, रक्सी पुल के पास हथियारबंद अपराधियों ने दिया घटना को अंजाम। दरभंगा में अपराधियों ने एक लूट की बड़ी घटना को अंजाम दे दिया। प्रतिष्ठान बंद कर घर लौट रहे स्वर्ण व्यवसायी को गोली मारकर उनसे सोने चांदी के जेवरात सहित बाइक लूट ली। घटना बिशनपुर थाना क्षेत्र के रक्सी पुल के निकट की है। गंभीर रूप से जख्मी व्यवसायी को DMCH में भर्ती कराया गया है। उनकी दाई पीठ में गोली लगी है। जख्मी स्वर्ण व्यवसायी भास्कर उर्फ लोकेश लहेरियासराय थाना क्षेत्र के बेलवागंज के निवासी हैं। उनका 2 वर्षों से बिशनपुर चौक पर उनकी दुकान है। बताया जाता है कि लोकेश अपनी दुकान बंद कर शाम को वापस घर लौट रहे थे। इसी दौरान रक्सी पुल के पास हथियारबंद बदमाशों ने घेर लिया और गोली मार दी, साथ ही रुपए जेवरात सहित बाइक लूटकर भाग गए। जख्मी व्यवसायी को स्थानीय लोग और पुलिस की मदद से हनुमान नगर PHC ले जाया गया, वहां से DMCH रेफर कर दिया गया। फिलहाल उनका इलाज दरभंगा अस्पताल में चल रहा है। जख्मी के भाई ने बताया कि बिशनपुर में लोकेश का शांति ज्वेलर्स नाम की दुकान है। वे दुकान बंद कर अपनी बाइक से घर आ रहे थे। इसी दौरान घेर कर अपराधियों ने गोली मार दी, बाइक सहित सभी सामान लूट लिए। हालांकि लूट कितने की हुई है यह साफ नहीं है, लेकिन इस बारे में लोग तरह तरह के कयास भी लगा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि स्वर्ण व्यवसायी को सरेशाम गोली मारकर जेवरात लूटने वाले मामले में पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं। थाना क्षेत्र अंतर्गत रक्सी पुल के पास एक स्वर्ण व्यवसायी के साथ जो है गोली मारकर और उनके पास जो सामान था 25,000 के करीब का जो उनके पास जेवर था उसको लूटा गया है। अभी फिलहाल वो इलाजरत है, हम लोग उनसे पूछताछ कर रहे हैं और वो अभी खतरे से बाहर है। इमरजेंसी वार्ड आए हुए हैं, आपके भाई को गोली लगा है। और क्या कुछ घटना घटी है? वो दुकान बंद करके बिशनपुर से आ रहा था, हनुमान नगर ब्लॉक में पड़ता है, शांति ज्वेलर्स नाम है उसका। जी जी ठीक है। रक्सी पुल के आसपास मोटरसाइकिल से कुछ अज्ञात लोग आए हैं, इसके कंधा पे 2-3 फायर किए हैं, गोली इसको लगा है। वो सोना मतलब जो था सामान झोला में, दुकान की चाबी गाड़ी वो सब लेकर भाग गए हैं। इसको गोली लगी, ये गिर गया। पेट्रोलिंग गाड़ी को किसी माध्यम के तहत पता चला गया, गाड़ी वाला वहाँ
इसको वहाँ से उठाया, फिर थाना फिर हम लोग को खबर हुआ।